Thank you, thank you, speaker. Well, chief, I think what thought provoking market is, my media perspective behind that, as a author, editor, and also media analyst, that media ka kya role hai. Mujhe lagta hai ki media ka role over this given decade mein bahut acha change ho gaya hai. पर हमारा रोल जो है एज वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी वो चेंज हो गया है. अगर जो हम मैंने कवरेज देखी है इस न सिर्फ इसकी बल्कि बहुत सारे जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो इंसिडेंट्स हुए हैं, मुझे उसमें एक तरफ तो ये दिखता है कि जैसे हम बार बार बात करते हैं सेंसेशनलिज्म की, ये रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, रॉन्ग चॉइस ऑफ इमेजेस जब आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बार बार हम देखते हैं. और उसके लिए हम जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं, हम कहते हैं रेटिंग्स, जो टीवी चैनल में रेटिंग सिस्टम है उसकी वजह से हम सेंसेशनलाइज करते हैं ताकि रेटिंग्स आए, लोग बात करें, उसको रिफर करें. तो वो अपनी जगह सही है, बट अगर ये बात सिर्फ टीवी चैनल्स तक न गुजरे तो वी शुड सी बेटर रिपोर्टिंग इन न्यूज़पेपर्स. हम नहीं देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो मीडिया है, और इसमें कोई सेंसरशिप का इशू नहीं है, इसमें कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि हमारी जो जर्नलिज्म है वो लेजी जर्नलिज्म हो गई है, और इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स हैं. एक तो ये है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है इट इज नॉट टेकन सीरियसली. मैं समझता हूँ कि अगर आज कोई प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है, कोई मिनिस्टर करते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज अगेंस्ट ये जो इंसिडेंट्स हैं वायलेंस के, इनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, अनलेस इनको आप टर्न अराउंड करते हैं, इनको एक सॉर्ट ऑफ एक सर्कस बना दें. ये सर्कस बना दिए हमने सारी जो वायलेंस के, खासतौर पर ये जो रिसेंट इंसिडेंट है, बिकॉज जैसे बीगल ने भी कहा और मैडम हुसैन ने भी कहा कि दिस हैज टू डू विद अ वेरी हाई प्रोफाइल केस. इस प्रोफाइल केस की वजह से बहुत सारे और ऐसे केसेस हैं नॉट दैट आर नॉट हाई प्रोफाइल, उनको तो रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है. तो एक तो ये है कि सेंसेशन तो अपनी जगह है, बट एज जर्नलिस्ट, एज मीडिया, आई थिंक वी हैव टू हैव अ डिस्कशन अमंगस्ट आवरसेल्व्स कि हम जो रोल है हमारे सोसाइटी में हम उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं. मैं जो देख रहा हूँ इसकी रिपोर्टिंग, इतनी पुअर रिपोर्टिंग है ज़्यादातर, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, कोई फैक्चुअल एरर्स बहुत हैं, साथ साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे आ रही है जो अनवेरीफाइड है, जो बहुत हद तक उसमें एक एलिमेंट ऑफ बायस है, उसको हम कैरी कर रहे हैं. हमारे जर्नलिस्ट खुद ये रिपोर्ट कर रहे हैं. मुझे पता है कि मीडिया ऑल दिस क्राइसिस में है, मुझे पता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज के इशूज़ हैं, बट इसके ये मतलब नहीं है कि हम रिपोर्टिंग पुअर करें. हमें रिपोर्टिंग सही करनी चाहिए. अब यही सिर्फ कहना कि शी और गर्लफ्रेंड, दिस सजेस्ट कि वो जो जर्नलिस्ट था उसने कोई अपनी प्रिपरेशन ही नहीं की थी. एक और इसमें जो एलिमेंट है वो ये है कि हम जर्नलिस्ट एज जर्नलिस्ट, हमारी जो डिस्कशन है इट ऑल्सो हैज टू डू विद आवर ट्रेनिंग, कि हमारी ट्रेनिंग क्या हुई है. हम लोग बहुत हद तक कराची प्रेस क्लब और प्रेस क्लब कोशिश करते हैं, बट अब देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी बैकग्राउंड फील्ड में आ गए हैं. तो एज अ मीडिया ऑक्यूपेशन प्रोफेशन हम आपस में हमें बात करें, वी हैव टू हैव अ डिस्कशन के हाउ डू वी मेक स्टैंडर्ड्स, हाउ डू वी रेज स्टैंडर्ड्स. खासतौर पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में मैं देखता हूँ कि बहुत पुअर स्टैंडर्ड्स, और लोग समझते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हालांकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट ऑफ आर सोसाइटी. अगर हम इसको सही नहीं रिपोर्ट करेंगे तो वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क एज जर्नलिस्ट. हम लोग बहुत, और इसमें कोई वो नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं, कोई आपके पास कोई आती नहीं आई कहने के लिए किसको आप नहीं रिपोर्ट कर सकते. व्हाट इज आवर एक्सक्यूज, व्हाई आर वी नॉट रिपोर्टिंग. सो दिस इज इन माई ओपिनियन, अगर हम ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे, ओवर रिपोर्टिंग करेंगे, लेजी रिपोर्टिंग करेंगे, अनइन्फॉर्म्ड सेंसेशनल रिपोर्टिंग करेंगे, हम लोग एक गेटवे दे रहे हैं टू सोशल मीडिया टू टेक ओवर जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन इज सफरिंग इन पाकिस्तान.
और इसका ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम देख रहे हैं. इट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन. आई थिंक आई हर्ड हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्रेसिडेंट के और लोग बैठे हैं जो हमारे यूनियंस के हैं. मैं समझता हूँ वी हैव टू हैव अ डिस्कशन अमंगस्ट आवरसेल्व्स, हाउ डू वी रेज स्टैंडर्ड्स, हाउ टू मेक रिपोर्टिंग बेटर. दिस इज अ डिस्कशन जो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी होना चाहिए अमंगस्ट यूनियंस, अमंगस्ट प्रेसिडेंट्स, अमंगस्ट पीपल ऑफ द प्रोफेशन. थैंक यू.